किया कि दरअसल उसमें लगभग 800 ऐसे वीडियो पड़े हुए हैं जिसे देख करके किसी भी इंसान की आत्मा कांप उठेगी। चना कि क्या ऐसे दरिंदे को किसी भी कीमत पर माफी दी जानी चाहिए या नहीं, अपनी राय कट करें। चलता था कि दवा के ओवरडोज से वह मर गई या फिर सुसाइड कर लिया या फिर लापता हो गई। यह सभी सबूत उस लैपटॉप के अंदर मौजूद है। क्या संदीप को उसको फांसी मिलेगी या संदीप को उसको जो है वो गवर्नमेंट बचाने का पूरा जोर लगा रही है? मैं यही चाहूंगा कि संदीप को उसको फांसी मिले और उसे चौक या सड़कों पे घसीटा जाए, उसके ऊपर जो है वो कुत्ते छोड़ देने चाहिए। ऐसे बेरहम इंसान के ऊपर रहम नहीं करना चाहिए। आइए आप मेरे साथ ये वीडियो पूरी देखिएगा, आपको पूरा सच जो है वो यहाँ पे मिलने वाला है। आइए वीडियो देखते हैं। जब वह लैपटॉप मिला तो उस लैपटॉप ने खुलासा किया कि दरअसल उसमें लगभग 800 ऐसे वीडियो पड़े हुए हैं जिसे देख करके किसी भी इंसान की आत्मा कांप उठेगी। चला है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए उस घिनौने काम में लगभग 6 लोग शामिल थे। बता दें कि प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस बात का इशारा किया है कि जिस बड़े नेता के बारे में आप जानना चाहते हो, अगर मैं उस नेता का नाम ले लूं तो शायद पूरी की पूरी सीबीआई का ट्रांसफर हो जाए था। इतना खौफनाक आरजी कर मेडिकल कॉलेज की कहानी है जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं। एक खबर के मुताबिक पता यह चला है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज के अंदर यह धंधे का जो काम है यह आज से नहीं बल्कि कई दशकों से चला आ रहा है, जब से प्रिंसिपल संदीप घोष उसमें ऐसे मुजरिम को सिर्फ फांसी की सजा ही मिलनी चाहिए। और यह भी बताया गया कि जो डेड बॉडी आती थी उस डेड बॉडी के साथ भी ऐसा घिनौना काम किया जाता था। तो आप लोग खुद ही अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि जब जो इंसान डेड बॉडी के साथ ऐसा घिनौना काम कर सकता है, क्या वह उस डॉक्टर बिटिया को छोड़ा होगा जो आज माफी की गुहार लगा रहा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या ऐसे दरिंदे को किसी भी कीमत पर माफी दी जानी चाहिए या नहीं, अपनी राय कट करें। दरअसल बता दें कि जब पॉलीग्राफ टेस्ट में संजय रॉय ने प्रिंसिपल संदीप घोष का नाम लिया था तभी से सीबीआई उसके सभी राज को खंगालने लगी थी। सीबीआई को पता था कि बहुत सारे लोग घुस करके सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिए हैं, तो वहां से कुछ मिलने वाला है नहीं। लेकिन एक बहुत पुराना लैपटॉप मिल गया जो प्रिंसिपल संदीप घोष के ऑफिस के अंदर केबिन में छुपा कर रखा गया था। जब वह लैपटॉप मिला तो उस लैपटॉप ने खुलासा किया कि दरअसल उसमें लगभग 800 ऐसे वीडियो पड़े हुए हैं जिसे देख करके किसी भी इंसान की आत्मा कांप उठेगी। उस 800 वीडियो की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। लैपटॉप को जब स्कैन किया गया तो उसमें पाया गया कि उसमें लगभग 800 से ज्यादा वीडियो पड़े हुए हैं। सभी वीडियो 30 मिनट, 25 मिनट या 10 मिनट के हैं। कुछ कुछ वीडियो डेढ़ डेढ़ घंटे के भी पड़े हुए हैं। तो वही कुछ ऐसे 10-12 वीडियो मिले जो लगभग 6-6 घंटे के हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि 10 मिनट से 6 घंटे तक की वीडियो में क्या कहानी है। दरअसल जो 10 मिनट के वीडियो हैं, वह जबरदस्ती किए गए कांड के वीडियो हैं या पर्सनल यूज के लिए किए गए कांड के वीडियो हैं। लेकिन जो 6-6 घंटे के वीडियो हैं, वह दरअसल आरजी कर मेडिकल कॉलेज के अंदर पोर्न मूवी शूट किया गया था। जी हाँ, आपने सही सुना, इसी मूवी को शूट किया गया था। इस मूवी को शूट करने के बाद वहां पर जितने भी फुटेज होते थे सब इसी लैपटॉप में रखे जाते थे। और जब यह लैपटॉप सीबीआई के हाथ लगा तो एक बात क्लियर हो गई है कि प्रिंसिपल संदीप घोष को भी अब फांसी से कम कोई सजा नहीं हो सकती। बताया जा रहा है कि कई सारी ट्रेनी डॉक्टरों को वहां पर बुलाया जाता था, उनके साथ जबरदस्ती किया जाता था। अगर वह नहीं मानती थी, अगर वह बात को नहीं मानती थी या विरोध करती थी तो बाद में पता चलता था कि दवा के ओवरडोज से वह मर गई या फिर सुसाइड कर लिया या फिर लापता हो गई। यह सभी सबूत उस लैपटॉप के अंदर मौजूद है। यही नहीं, एक बहुत बड़ी जानकारी और मिली है जिसे सुनने के बाद हर इंसान आरजी कर मेडिकल कॉलेज के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। वह यह है कि उस लैपटॉप के अंदर कई सारे लड़कों के ऐसे वीडियो मिले हैं जिनके साथ घिनौना काम किया गया है। जी हाँ, सही सुना आपने, लड़कों के साथ घिनौना काम किया गया है। उसमें से कई लड़कों ने अपने शरीर को त्याग दिया, कई लड़कों ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज को त्याग दिया और कई लड़के आज भी सदमे में हैं। इसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि उसे सुनने के लिए बहुत कलेजा चाहिए। और वह ये है कि जैसे मान लीजिए किसी का पेशेंट वहाँ पर डेट करता था तो उसके पेशेंट के अंदर मौजूद तमाम प्रकार के अंग जो काम में आते थे उन्हें निकाल कर सप्लाई कर दिया जाता था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर यह होता कैसे था। दरअसल यह होता यूं था कि जैसे मान लो कि आप अगर किसी हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को लेकर जाते हैं, उसके अंदर ऑपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब कि कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर ये कहते हैं कि देखिए इनका बचना मुश्किल है,
लेकिन हमारे हॉस्पिटल की तरफ से आपको एक फ्री सर्जरी दी जा रही है। आप ये सर्जरी करवा लो, अगर ये जिंदा बचते हैं तो ही आपको पैसा देना है, नहीं बचेंगे तो नहीं देना। ये कह करके उस डेड बॉडी के अंदर से उन सभी प्रकार के अंगों को निकाल लिया जाता था जिसकी तस्करी की जा सके। इसके बाद कई सारी औरतों की बॉडी जो ताजा ताजा वहां पर पहुंची रहती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि हॉस्पिटल में डेड बॉडी पहुंचती क्यों है। दरअसल बता दें कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज एक हॉस्पिटल ही नहीं बल्कि एक मेडिकल कॉलेज भी था जहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो जब वहां पे डेड बॉडी की जरूरत होती थी तो जितने भी लावारिस डेड बॉडी जिसमें कभी पुलिस आइडेंटिफाई नहीं कर पाती तो वे हॉस्पिटल में दे दिए जाते हैं ताकि उससे बच्चे कुछ सीख सके। तो ऐसे डेड बॉडी जो ताजा होते थे उनके साथ घिनौना काम करके वीडियो बना करके उनके अंगों को बेचा जाता था। जो लड़कियां नहीं मानती थीं कि हम आपके साथ गलत काम करेंगे, उन लड़कियों के फोटो को एडिट करके ऐसा घिनौना काम किया जाता था कि वह लड़कियां या तो कॉलेज छोड़ देती थीं या फिर उनके साथ मिल जाती थीं। इतने घिनौने काम करने का पता यह चला है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए उस घिनौने काम में लगभग 6 लोग शामिल थे। बता दें कि प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस बात का इशारा किया है कि जिस बड़े नेता के बारे में आप जानना चाहते हो, अगर मैं उस नेता का नाम ले लूं तो शायद पूरी की पूरी सीबीआई का ट्रांसफर हो जाए, इसलिए हमें ना छेड़ा जाए। लेकिन सीबीआई को सीधे प्रधानमंत्री से आदेश मिला है कि कोई भी अगर इसमें आए या फिर किसी का भी नाम आए तो उसके खिलाफ एफआईआर करने से एक कदम भी पीछे मत हटना और उसे तुरंत उठा लेना। सीबीआई ने संजय राय और संदीप घोष के ऊपर दबाव डालकर उन बड़े नेताओं के नाम निकालने की कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल संदीप घोष को आज रात 9 बजे सीबीआई के रिमांड रूम में ले जाया जाएगा और इसके बाद वहां उनसे बहुत बड़ी जानकारी निकाली जाएगी। बता दें कि प्रिंसिपल संदीप घोष और संजय रॉय ने इस बात को कहीं न कहीं मान लिया है कि दरअसल बिटिया रानी के साथ एक दो नहीं बल्कि कई लोगों ने किया था। यही नहीं, हम आपको यह भी बता दें कि इन सभी घटनाओं के बाद आपने सुना होगा कि 150 मिलीग्राम वहां पर सीमन मिला था।